हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डिजिटल डायरीज। और आज हम लोग पीठा बनाने जा रहे हैं जो झारखंड और वेस्ट बंगाल में बहुत ही फेमस है और यह ट्रेडिशनली बनाया जाता है जो खाने में बहुत ही स्पाइसी एंड टेस्टी होता है। तो चलिए गाइस बनाना स्टार्ट करते हैं। और गाइस आप मेरे वीडियो देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हम ज़्यादा अमाउंट में बना रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पर 3 बड़े बाउल चावल का आटा लिया है। फ्राई करने के लिए तेल लिया है। फिर हमने घर के बनाए 2 मसाले लिए जिसमें हमने अदरक, लहसुन, मिर्चा, हल्दी, गोलकी और जीरा को ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना लिया है। दूसरा मसाला में हमने प्याज और मिर्चा को ग्राइंड करके उसका पेस्ट बनाया है। फिर हमने स्वाद अनुसार नमक लिया है। हम ज़्यादा अमाउंट में बना रहे हैं इसलिए कच्चू का अमाउंट भी ज़्यादा है। आप कम बनाते हैं तो कच्चू का अमाउंट भी कम डालिएगा। फिर हम कच्चू को कुकर में डालकर बॉयल करेंगे। आप देख सकते हैं कच्चू अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। अब कच्चू का छिलका हटा करके हम उसे इस तरह से मैश कर लेंगे। जब ये अच्छे से मैश हो जाए तब हम इसमें अदरक, लहसुन, मिर्चा, जीरा, हल्दी और गोलकी वाला पेस्ट बनाया था वो डालेंगे। उसके बाद हम इसमें प्याज और मिर्चा वाला पेस्ट डालेंगे। इसके थोड़ी देर बाद हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और सबको अच्छे से मिलाएंगे। फिर किसी बर्तन में पानी लेकर उसे गैस में उबलने के लिए छोड़ देंगे। अब मसाले में हम चावल के आटे को धीरे धीरे डाल करके उसे अच्छे से मिलाएंगे। हमें चावल के आटे को इसमें धीरे धीरे करके ही मिलाना है, नहीं तो सारे मसाले इसमें अच्छे से नहीं मिल पाएंगे। इसलिए जब भी आप इसे घर पे बनाएं तो चावल के आटे को धीरे धीरे करके ही डालिएगा और सारे मसाले में अच्छे से मिला लीजिएगा। पानी उबलना स्टार्ट हो गया है। अब इस उबलते हुए पानी को हम अपने मसालों में धीरे धीरे करके डालेंगे और इन सबको मिला करके उसका एक बैटर तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा बैटर आधा तैयार हो गया लेकिन ये अभी भी मोटा है, तो हम इसमें गर्म पानी डाल करके उसका एक पतला बैटर बनाएंगे। आपको बैटर मोटा लगे तो आप गर्म पानी डाल करके इसका पतला बैटर बना लें। हमें इन सब को मिला करके इसका एक ऐसा बैटर तैयार करना है जो ना ही ज़्यादा मोटा हो और ना ही ज़्यादा पतला। हमें बैटर को इस तरह से बना लेना है जैसा आप देख सकते हैं। फिर हम कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और तेल जब गरम हो जाए तब हम उसमें कच्चू या आप चाहे तो कटोरी की सहायता से उसे इस तरह से डाल सकते हैं। और जब ये इस तरह से एक साइड से फूलने लग जाए तब हम इसे पलट देंगे और दूसरे साइड से भी इसे पका लेंगे। Thank you.
अब ये दोनों साइड से पक चुका है तो अब हम इसे निकाल लेंगे। बाकी बचे हुए को भी हमें इसी तरह गर्म तेल में कचौड़ी या कटोरी की सहायता से डाल देना है। और जब ये एक साइड से फूलने लग जाए तो इसे पलट करके दूसरे साइड से भी पका लेंगे। ये दोनों साइड से पक चुकी है तो अब हम इसे निकाल लेंगे। सो गाइस, हमारा गर्मा गर्म मसाला पीठा तैयार है और आप इसे धनिया की चटनी, सॉस या सब्जी किसी के भी साथ खा सकते हैं। सो गाइस, आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।